अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप अभी तक एक वर्ग विशेष के सर ही था, लेकिन आज पंजाब में जो हुआ उसने एक बार की पूरे देश में ही सनसनी मचा दी। लॉकडाउन से रोकने पर चार निहंग सिखों ने पुलिस पर पहले गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और फिर बाद में नीचे उतरकर तलवारों से पुलिस पर हमला कर दिया। एक ASI का हाथ धड़ से अलग हो गया। पुलिस पर हमला कर ये चारों सिख भाग खड़े हुए। पुलिस उनकी घेराबंदी में लगी हुई है। यह घटना पंजाब के पटियाला शहर की है। यहाँ आए दिन इस तरह की घटनाएं होना भी प्रकाश में आया है। यह घटना सब्जी मंडी की है। आइए देखते हैं। पटियाला SSP मनदीप सिंह सिंधु के मुताबिक हमले के बाद ये लोग वहां से भाग गए। पुलिस टीम ने जब इन लोगों का पीछा किया तो ये लोग बलवाड़ा के पास एक गुरुद्वारे में छिप गए। वहीं गुरुद्वारे से आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग भी की और पुलिस वालों को वहां से चले जाने के लिए कहा। गुरुद्वारे के अंदर 40 से 50 हमलावर छिपे होना बताया जा रहा है। की कारण रहे अज सवेरे सब्जी मंडी दे विच पटियाले ओह ड्यूटी ते सी मुलाजम नॉर्मल जिहड़ी ड्यूटी हुंदी है जिन्हों पब्लिक नूं मोनिटर करदे रश ना हो जाए जिहड़ा इस करके उत्थे कोई 6:15 दे करीब एक वहीकल दे विच जिहदे विच निहंग सिंह सवार सी उन्होंने मंडी बोर्ड वाले ऑफिशियल किसी ने जो मुलाजम ने रोकया भी तुहाडे कोले पास है तो वो उ बंदे जा रहे हैं भी इतने सोशल डिस्टेंसिंग का लग्या हुआ भी इस करके तुसी पास दिखाओ इन्ना कहिंदे उन्होंने बैरीकेड दे उत्तों गड्डी लंघा के फिर अगे गेट दे विच जिहड़ी उहदे मंडी दे बोर्ड दे मारी ते उहदे च उदू बाद उहदे चों जदों उन्होंने जदों मुलाजम पुलिस मुलाजमां ने उन्होंने करन तों रोकना चाहिया भी ये तुसी की कर रहे हो तो उतर के उन्होंने हमला करता जिहदे च SHO सदर पटियाला उहदे कूणी ते वज्जी है एक होर मुलाजम दे बाजू ते वज्जी है एक साढ़े ASI है जिहड़े उन्हां दी हथ कट्टिया गया मतलब वक्त हो गया उहदे तों कृपान मारी है जिहड़ी उहदे वक्त हो गया ये अपना जिहड़ा मुड़ के निहंग सिंह उत्थों आपदा वहीकल भजा के वह निकल गया तो पिछा कर रहे पुलिस ने उत्थे कोई गुरद्वारा साहब लोकल गुरद्वारा बनाया हुआ आपदे तौर पर खिचड़ी साहब गुरद्वारा है बलबेड़े उत्थे पहुँच गए तो असं उन्होंने ठीक है उन्होंने अरैसट करांगे मुकदमा दर्ज करांगे अगे कार्रवाई करांगे ਜਿਹੜਾ ASI ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ PGI ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਸੀ ਚਾਰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਰਪਾਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਾ ਉੱਟਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ PGI ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਫਸਟ ਬਾਈਟ .tv। ਨਮਸਕਾਰ।